तो चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन ऑफ शॉर्ट डाइपोल, मतलब अगर डाइपोल छोटा है तो उसके किसी भी पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। और इस चीज़ को आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझना कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉजिक समझ लो कि करना कैसे है। देखो, अगर ये डाइपोल है, ये यहाँ पर माइनस क्यू है और ये यहाँ पर प्लस क्यू है। बात समझ में आ रहा? दो डाइप मतलब एक डाइपोल है और डाइपोल शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब क्या होता है भैया? ये वाली जो डिस्टेंस है ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू ये डिस्टेंस जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है या टू आ रहा है, वो एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू आर, तभी जाके डेरिवेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट सी है, सेंटर से पी पॉइंट है, वो एक्स डिस्टेंस पे है और ये एंगल, इनके बीच का एंगल कुछ थीटा मैं लूंगा, ये वाली चीज़। तो अब देखो, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर जो नेट फील्ड है उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो है एक्सियल और इक्वेटोरियल जो पड़े हो उसी का हम लोग यूज करते हैं। तो जो नेट डाइपोल है, डाइपोल जो नेट डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे होगी। और इस डाइपोल को मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, समझना। जो ये डाइपोल ऐसे आ रहा है, इसके मैं दो कंपोनेंट कर दूंगा, एक ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रहा? और ये वाली जो दो डाइपोल बन गया, मतलब जो एक डाइपोल था वो दो डाइपोल P1 और P2 दो डाइपोल बन गया। बात समझ में आ? और अगर ये दो डाइपोल बन गया तो ये जो पॉइंट P है वो एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे आ जाएगी और एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पर आ जाएगी। और एक्सियल और इक्वेटोरियल पहले वाला फार्मूला यूज कर दूंगा, अपना डेरिवेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलो यही यही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यही चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले जो पॉइंट पी है वो डाइपोल से यहाँ से जो लाइन लिया हूँ उससे एक थीटा डिग्री पर ओरिएंटेड है, ऐसा मान लेता हूँ ये। और ये जो रेड कलर दिखाया हूँ, ये डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है जो कि एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से पॉइंट पी पर फील्ड निकालना। तो इस पी वेक्टर के दो कंपोनेंट करता हूँ और ये कंपोनेंट एक ब्लैक कलर से इधर जाएगा, जो जो लाइन लिया हूँ उसके एलोंग जाएगा, उसका नाम रखता हूँ पी कॉस थीटा। आई होप कि वेक्टर का रिजोल्यूशन आता है, इसका नाम रख देता हूँ पी एक्स। नया डाइपोल बन गया। और जो पी डाइपोल है उसका जो वर्ट वाई एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट है इधर जाएगा, इसका नाम रख देता हूँ मैं पी साइन थीटा और इसका नाम रख देता हूँ पी वाई, ठीक है ना। तो ये तो अब हम अच्छे से देखोगे तो ये जो डाइपोल है ब्लैक वाला, और जो डाइपोल तुम देख रहे हो यहाँ से, जो ब्लैक वाला डाइपोल है और जो येलो वाला डाइपोल है, जो वो दो नए नए डाइपोल क्रिएट हो गए। अगर नए डाइपोल क्रिएट हो गए तो इन नए डाइपोल के लिए जो पॉइंट पी है उसका क्या हाल है? तो पॉइंट पी पी एक्स के लिए एक्सियल लाइन पे है। नहीं समझ में आ रहा? देखो, जो पॉइंट पी है, ये जो डाइपोल है इसके लाइन इस वाले लाइन पे आ रहा है जो कि एक्सियल लाइन है, और यही पॉइंट पी इस डाइपोल, जो डाइपोल ऐसे आ रहा है, इसके लाइन इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है। और इसीलिए तो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला फील्ड इतना अच्छा से मैं पढ़ाया था। तो अगर तुम देखोगे जो पॉइंट पी है एक्सियल और इक्वेटोरियल पे आ गया, तो एक्सियल एक्सियल पे जो ये जो फील्ड होती है वो, उसको मैं ई एक्स बोल देता हूँ, जो कि इधर की डायरेक्शन में आएगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। भाई कोई डाइपोल ऐसे है, ठीक है, तो इस एक्सियल वाले लाइन पे जो फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट से 0 डिग्री पे आएगा, पैरेलल होता है, पहले से हमें पता है ये बात। ये डाइपोल पी एक्स है और यहाँ पर जो नेट फील्ड एक्सियल लाइन पे आएगी, इनके बीच पैरेलल वेक्टर आएंगे। उसी तरह से जो जो डाइपोल ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, पी वाई, इसका एक्सियल वाला लाइन तो ये होगा लेकिन इक्वेटोरियल वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाली लाइन इक्वेटोरियल वाली लाइन होगी जो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा, यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो पॉइंट पी पर, तो ये जो पॉइंट पी है वो एंटी पैरेलल होता है। तो अगर ये इधर है तो थीटा 180 डिग्री, ये फील्ड ऐसे आएगा, दैट इज ई वाई। थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच? 180 डिग्री, जो प्रीवियस वाला रिजल्ट है भाई। इन दोनों को ये ई वाई इधर आएगा, ये किसकी वजह से फील्ड है? ये जो है वो पी साइन थीटा जो डाइपोल है, जो पी वाई डाइपोल है,
उसके इक्वेटोरियल लाइन पर नेट फील्ड है, और ई एक्स जो है जो पी कॉस थीटा डाइपोल है उसके एक्सियल लाइन पे नेट फील्ड है। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही यही तो रिजल्टेंट है, यही तो नेट वेक्टर है ई, जो कि ई एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस ई वाई वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, यही सोल्यूशन होगा। ये एंगल कुछ अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो नेट फील्ड है वो एक्सियल वाले लाइन जो जो जिस जो लाइन में एक्स लिया था, ये वाला एक्स पोजीशन वेक्टर, उससे कितनी डिग्री पे है, तो ये मैं अल्फा मान लिया, ठीक है। तो अगर वहाँ पे नेट फील्ड देखोगे तो भाई सिंपल सी बात है, नेट फील्ड यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। और ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर क्या है, ई एक्स जो है किसी डाइपोल के एक्सियल पर फील्ड है, और एक्सियल पर फील्ड क्या होता है शॉर्ट डाइपोल का, टू के पी ओवर एक्स की पावर क्यू, लेकिन यहाँ डाइपोल पी एक्स है, ठीक है। और ई वाई जो फील्ड होगा वो आ जाएगा, इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, टू के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स की पावर क्यू, और यहाँ से आ जाएगा के पी वाई ओवर एक्स की पावर क्यू, इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड किसी डाइपोल का, ठीक है। तो वो डाइपोल, और यहाँ पर जो डाइपोल है वो पी साइन थीटा है, पी वाई और ए एक्स की पावर क्यू, ये वाली चीज़। अगर यहाँ पर मैं इन सब की वैल्यू रखूँगा और फिर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा टू टाइम्स के पी यहाँ से कॉस थीटा और ओवर यहाँ से एक्स की पावर क्यू का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखोगे तो के पी साइन थीटा ओवर एक्स की पावर क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये सारी चीज। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा भाई, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो के पी एक्स की पावर क्यू तो बाहर आ जाएगा, और ब्रेकेट में ना फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट बचा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा के पी एक्स की पावर क्यू, और कॉस थीटा को यहाँ थ्री कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि एक कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइड में ले सकता हूँ, और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है वो बन गई वन। तो यहाँ से जो नेट फील्ड आ गया किसी भी पॉइंट पे वो आ जाएगा के पी एक्स की पावर क्यू थ्री टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, दिस इज द फाइनल अंडर रूट, सॉरी ये अंडर रूट रहेगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एट किसी भी पोजीशन पे शॉर्ट डाइपोल का, ये फील्ड है वेयर थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जो कि थीटा अलग अलग पॉइंट में वेरी करेगा। जैसे प्रीवियस दोनों डेरिवेशन जो हम लोग किए थे वो यहीं से मिल जाएंगे। अगर थीटा आप देखो एक्सियल लाइन पे आ जाता है तो थीटा कितना, ये देखो यहाँ पे अगर ये जो पॉइंट है पॉइंट पी घूम के यहाँ आ जाता है, एक बार समझा देता हूँ आपको, पॉइंट पी अगर यहाँ आ जाता है घूम के, ठीक है, तो ये पॉइंट पी घूम के आ जाता, तो ये जो थीटा है वो जीरो हो जाएगा भाई, ये एंगल जीरो हो जाएगा, बात आ रहा है समझ में। तो अगर पॉइंट पी यहाँ घूम के आ जाता है तो थीटा जीरो हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट पी यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाता है घूम के, तो ये जो थीटा है वो 90 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना भाई। तो ये यहाँ तुम देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से देख चुके होगे पहले भी। तो अगर मैं इसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई करता हूँ कि अगर मेरा थीटा जीरो है तो पॉइंट क्या है एक्सियल लाइन पे है, तो अगर एक्सियल लाइन पर पॉइंट है तो उस केस में अगर मैं देखूँगा तो जो एक्सियल लाइन पे शॉर्ट डाइपोल का फील्ड आया था, थीटा जीरो रखो इसमें, तो के पी आर की पावर क्यू थ्री टाइम्स कॉस स्क्वायर जीरो प्लस वन अंडर रूट, कॉस स्क्वायर जीरो वन होता है तो यह आ जाएगा टू के पी ओवर आर की पावर क्यू, जो कि हम पहले ही डिराइव कर चुके थे। और अगर इसी चीज़ को इक्वेटोरियल लाइन पे बात करोगे तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तुम देखोगे तो ये आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ध्यान रखना ये सब शॉर्ट डाइपोल के लिए आ रहा है। तो यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन के लिए अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा के पी यहाँ से एक्स की पावर क्यू, ये एक्स था, ठीक है, एक्स की पावर क्यू, और कॉस 90 थ्री टाइम्स कॉस कॉस स्क्वायर 90 प्लस वन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से कॉस 90 इन सब की वैल्यू जीरो हो गई तो ये आ जाएगा के पी ओवर एक्स की पावर क्यू। तो
तो ये है एक्सियल और इक्वेटोरियल पे पहले दोनों डेरिवेशन लिख सकते हो, और यहाँ से तुम एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं ये देखने की, कभी कभी मुझे ये देखने की इच्छा होती है कि ये जो अल्फा है और थीटा में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, मतलब जो किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड है वो पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच जो एंगल है उससे कैसे रिलेशन रखता है। तो इसके लिए थीटा निकालने के लिए इसी वाले यहाँ पे आ जाओ भाई, अल्फा टेन अल्फा यहाँ पे लगा दोगे तो टेन अल्फा दैट इज ई वाई अपॉन ई एक्स दिस वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस वन। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे, हाँ एंगल अगर तुम निकालोगे तो वो भी हम लोग एक बार कर ही लेते हैं ए आर्टिकल। तो यहाँ से देखोगे अपना नेट फील्ड ऐसे था, दिस इज द नेट फील्ड जो अभी निकाले, और ये वाली जो लाइन थी दैट इज एक्सियल थी ये ई एक्स था, और ये वाली लाइन जो थी वो ई वाई थी यहाँ से, तो ये एंगल अल्फा था। तो यहाँ से लगा दो टेन अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई वाई अपन ई एक्स, ठीक है। और ई वाई की वैल्यू हम पहले ही इधर देखो ऊपर निकाले होंगे, ई वाई की वैल्यू यहाँ से ई वाई देखो, ई वाई जो है वो के पी, यहाँ से देखो ई वाई की वैल्यू के पी साइन थीटा एक्स क्यूब, और ई एक्स की वैल्यू टू टाइम्स के पी कॉस थीटा एक्स क्यूब। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो ये मुझे फार्मूला मिलेगा, ई वाई की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो आ जाएगा के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स की पावर क्यू और टू टाइम्स के पी कॉस थीटा और यहाँ से डिवाइडेड बाई एक्स की पावर क्यू। तो एक्स की पावर क्यू एक्स की क्यों के पी ने के पी को, तो कुल मिला के टेन अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो टेन थीटा और डिवाइडेड बाई टू आ जाएगी। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टेन अल्फा, अल्फा जो है नेट फील्ड की डायरेक्शन देगा पोजीशन वेक्टर से, और थीटा जो है वो देगा पोजीशन वेक्टर का डाइपोल मोमेंट से एंगल। तो अब अगर ऊपर देखोगे तो नेट फील्ड है, तुम देखोगे एक्सियल लाइन पे दोबारा बात करोगे एट एक्सियल लाइन, तो उस एक्सियल लाइन पे देखोगे तो थीटा कितना बनता था बोलो, जीरो बनता था। तो अल्फा थीटा जीरो बनता था, तो टेन अल्फा एक्सियल लाइन पे इज इक्वल टू टेन थीटा जीरो डिवाइडेड बाई टू, मतलब ये आ जाएगा जीरो, तो अल्फा आ जाएगा जीरो। अगर थीटा जीरो है तो अल्फा जीरो, मतलब अगर ये डाइपोल ये प्लस की हुआ है और ये माइनस की हुआ है तो डाइपोल मोमेंट इधर को डायरेक्शन पी वेक्टर है, और अगर एक्सियल लाइन पे नेट फील्ड लूंगा वो भी इधर ही आएगा, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। अब अगर इक्वेटोरियल लाइन पे देखोगे एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन पे ये इंडिया का बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। ये सारा मेरा हार्डवर्क है, मेहनत है, तुम इसको लिख लेना बच्चों। टेन नाइन्टी इन्फिनिटी होता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन नाइन्टी और टेन नाइन्टी अपन टू। तो अगर टेन नाइन्टी अपन टू अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू, तो ये इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा, अल्फा की जो वैल्यू है वो भी 90 आई यार, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू 90 है तो अल्फा भी 90 आ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे जाता हूँ, अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो ये डाइपोल है ये प्लस क्यू है, और ये यहाँ पर डाइपोल है माइनस क्यू है। तो इक्वेटोरियल लाइन इस लाइन पे, ये वाली जो थी पोजीशन वेक्टर ये एक्स वेक्टर था, एक्स का ये एंगल थीटा था। अगर थीटा 90 है तो इस लाइन से, इस पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री पर ही आएगा, ठीक है, 90 डिग्री पे आएगा। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट इधर है पी वेक्टर, तो यहाँ से 90 डिग्री पर इधर आएगा, ठीक है ना। वैसे तो 90 डिग्री पे हाँ अभी बता नहीं सकते इधर ये वाली चीज़। तो ये वाली जो नेट फील्ड है वो यहाँ से, ये एंगल अल्फा है क्योंकि ये नेट फील्ड का पोजीशन वेक्टर से एंगल, तो ये अल्फा भी 90 आएगा, ये बता रहे, ये अल्फा और ये थीटा 90। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालते हैं, और ये हमने बहुत मेहनत करके अच्छे से आपको पढ़ाया, अच्छा कंटेंट, इट इज़ द बेस्ट कंटेंट ऑफ द कंट्री। और ऐसे ही कंटेंट को आपको समझने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।